कर्पूरी चौक पे, और कर्पूरी चौक पे अभी हम आज इसलिए आए कि यहाँ पे जो है आज हम कवर करने वाले स्ट्रीट फूड, और कर्पूरी चौक पे हम आए यहाँ पे फूड हंटर पे, और ये जो वैन है शाम 4 बजे लगती है और रात के 10 बजे तक, तो यहाँ पे आज हम टेस्ट करने वाले हैं जो कि चिकन लॉलीपॉप। और यहाँ पे जो सबसे स्पेशल चीज मुझे लगा वो है चिकन लॉलीपॉप, और चिकन लॉलीपॉप विथ नूडल्स के साथ वो अलग ही कॉम्बिनेशन था भाई साहब। रेस्टोरेंट वाली जो फील है ना वो यहाँ पे आ रही है, और उससे कहीं ज़्यादा मतलब स्ट्रीट का जो फूड का तो वो वाइब ही अलग होता है, बट लेकिन यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट प्लस स्ट्रीट दोनों मिक्स है यहाँ पे। आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ज़रूर आए यहाँ पे और टेस्ट करें, और आइए ऋषभ भाई से जानते हैं कि मतलब ये फूड स्टॉल लगाने का उनका मेन स्टोरी क्या है। तो फ्रेंड्स राइट नाउ हमारे साथ हैं इस फूड स्टॉल के ओनर जो कि हैं ऋषभ भाई, तो अभी ऋषभ भाई से जानेंगे कि इस फूड स्टॉल को लगाने के पीछे इनका क्या मोटिव था। आई मीन इतने कम उम्र में इस तरह का फूड स्टॉल लगाना एक काफ़ी बड़ी बात होती है अपने आप में कहीं ना कहीं, और दूसरा ये कि सिर्फ फूड स्टॉल नहीं यहाँ का जो टेस्ट है वो भाई साहब काफ़ी बेहतरीन है, तो इसका भी राज जानेंगे हमारे ऋषभ भाई से, और भी कुछ छोटी बड़ी चीज़ें इनसे जानेंगे। तो पहले यार जानते कि ऋषभ भाई हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने ये फूड स्टॉल कब लगाया। मैंने ये फूड स्टॉल पिछले साल लगाया था। तो एक फूड स्टॉल की जर्नी क्या रही आपकी? फूड स्टॉल मैंने स्टार्ट यहाँ से किया कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ट्रैवल वगैरह करता हूँ, तो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी जगह ट्रैवल किया है इंडिया में, तो हर जगह जाता था तो मैं देखता था कि फूड जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर उसमें टेस्ट दिया जा रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ को दरभंगा के लोगों के साथ मैं सोचा कि मैं इस चीज़ को शेयर करना करूँगा। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है ऐसे फूड ट्रक को लाया जाए दरभंगा और मैं उस तरीके का टेस्ट दे सकूँ दरभंगा में, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं अभी एक साल में हमारे जो हैप्पी कस्टमर्स हैं हमारे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हम लोग और उनमें से एक हम भी हैं, ठीक है, क्योंकि लकीली मुझे अभी यहाँ आज फूड टेस्ट करने का मौका मिला, और यकीन जानिए सीरियसली जो चिकन लॉलीपॉप मैंने ट्राई किया रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा टेस्ट उसका बेहतर यहाँ का था, जो मुझे प्रसन्न लगा मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। तो आपको कभी भी अगर मौका मिले तो आप प्लीज़ यहाँ की ज़रूर एक बार ट्राई करना, एंड ट्राई करने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप इसे जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हो, तो प्लीज़ आइए और टेस्ट करके जाइए, क्योंकि आके टेस्ट करना एक डिफरेंट होता है और वो वाइब आप लेके यहाँ पे आके जरूर ले सकते हैं। तो लोकेशन जो वो है कर्पूरी चौक, और कर्पूरी चौक में इनका स्टॉल है, काफ़ी बेहतरीन है, और टेस्ट की बात की है तो सीरियसली मेस्मराइजिंग टेस्ट है, बहुत ही अमेजिंग है यहाँ का फूड, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इन्हीं सब बातों के बीच अभी हमारे पीछे जो आप कैमरा मैन जो देख रहे हैं, आई मीन हमारे कैमरा भाई वाले भाई साहब जो पीछे जो कैमरा शूट कर रहे हैं उनसे भी टेस्ट जानेंगे। तो अल्ताफ ब्रो वहीं से बता दीजिए कि आपको आज के फूड में क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। मुझे तो सबसे ज़्यादा वही चिकन लॉलीपॉप ही ज़्यादा बेस्ट लगा। तो नहीं लगा तो बेसिकली हम सबको वही अच्छा लगा क्योंकि टेस्ट वाकई उसका बहुत अच्छा था, बाकी चीज़ें भी अच्छी थी, बट स्टिल
एक होता ना सबसे ज़्यादा अच्छा, तो वो मुझे वो चिकन लॉलीपॉप लगा, वो आप जरूर टेस्ट कीजिए। एंड ऋषभ भाई हमारे व्यूअर्स को बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब में कंजूसी कर देते हैं लोग। तो व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन हमारे भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारा प्यार, और ढेर सारा प्यार, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, और यही चाहिए कि आप यहाँ आइए और अच्छे से फूड को ट्राई कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें हम हमेशा सब लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो आपके साथ भी कर रहे हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।